नमस्कार प्रिय छात्रों, स्वयं परियोजना के MOOCs पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। जिस प्रकार से आपके लिए पाठ्यक्रम में व्याकरण शास्त्र के विषय में जो पाठ्यक्रम निर्धारण किया गया है तद्धित प्रबोध का, उसमें अब तक आपने भाव कर्मार्थ के जो नये स्नेह अधिकार है उसके विषय में ज्ञान अर्जित कर लिया है। वहाँ पर हमने आपको यह सब बताया था कि किस प्रकार से उस प्रकरण में जो भी प्रत्यय कहे गए हैं उनका लौकिक दृष्टि से, लोक प्रयोग की दृष्टि से प्रसिद्धि होने के कारण अत्यंत उपयोगी वह प्रकरण था। अब उनके अध्ययन के उपरांत जो अब आपका पाठ यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है आपके सामने, इस पाठ का नाम है पांचमिक प्रयोग परिशीलनम। पांचमिक प्रकरण में जो प्रयोग आए हैं, जिन सूत्रों से जिन जिन प्रत्ययों का विधान किया गया है, उनका अध्ययन आज आप इस पाठ में करेंगे। पांचमिक प्रकरणस्थ प्रत्ययांत जो उदाहरण है उनका परिशीलन हम आज इस पाठ में करेंगे। सबसे पहले आपको यह बताना चाहता हूँ कि एक बार पूर्व में भी मैंने पांचमिक प्रकरण अपर नाम है ऐसा प्रकरण में कहा था, जहाँ से पंचम छेद विधि जो हमने कही थी वहाँ पर हमने कहा था कि पांचमिक प्रकरण भी अपर नाम है उसका। तथापि वहाँ पर छेद विधि का ऐसे अधिकार करने के बाद इस प्रकरण में, क्योंकि इस प्रकरण में विशेषतया अधिकारों को न कह करके स्फुट स्फुट प्रत्ययों का निरूपण किया है, तो इसका अधिकार क्या कहा जाए, इसी कारण से विभिन्न प्रकार के अर्थों में विभिन्न प्रत्ययों का यहाँ पर समावेश इस प्रकरण में किया गया है। और ये सभी सूत्र जो हैं पंचम अध्यायस्थ होने के कारण पांचमिक ऐसा यहाँ पर हमने इसका नामकरण किया, तो इसके पांचमिक इस नामकरण में हेतु यही है। तो किसी विशेष अधिकार के अभाव में इस प्रकरण का नाम पांचमिक प्रकरण ऐसा कर देते हैं। इसमें कई अर्थ कहे गए हैं, जैसे धान्यानाम भवने क्षेत्रे खई इत्यादि। अब जो है हम प्रथमतः जो एक एक क्रमशः इसमें अर्थ निर्देश किया गया है, उस अर्थ में जिन जिन प्रत्ययों का विधान करके जो प्रयोग जो निष्पन्न किए गए हैं उनके बारे में एक बार हम देखते हैं। इसमें एक अर्थ है धान्यानाम भवने क्षेत्रे खई, ये सूत्र है। तो धान्य के भवन जो उत्पन्न होना, भवन में यहाँ भवन का मतलब उत्पन्न होना, लेकिन वो क्षेत्र में ही उत्पन्न हो, क्षेत्र नामक खेत में, तब ही खई प्रत्यय होता है। तो इसका अर्थ हुआ धान्यवाचिभ्य षट्यंतेभ्य भवने अर्थे क्षेत्रे अर्थे खई प्रत्यय भवति, कि धान्यवाची जो षष्ठ्यंत सुबंध है उनसे भवन अर्थ अर्थात जायमान के अर्थ में और क्षेत्र के अर्थ में ही खई प्रत्यय होता है। भवन शब्द अधिकरण ल्युडंत यहाँ पर स्वीकार किया गया है और इसी कारण से उसका क्षेत्र शब्द के साथ सामानाधिकरण्य भी संभव होता है। अतः अर्थात जिसमें उत्पन्न, अधिकरण ल्युडंत होने कारण जायन्ते अस्मिन् भवन्ति भूयते अस्मिन् इति ऐसा करके, तो इस प्रकार से भवन्त्यस्मिन् ऐसा वा हम व्युत्पत्ति करेंगे। तो भू धातु उत्पत्तिवाची है, उत्पत्ति स्थान को भवन ऐसा हम यहाँ पर कहेंगे, उससे सप्तमी का सप्तम्यंत का ग्रहण करेंगे भवने ऐसा अर्थ निर्देश होने के कारण। तो धान्योत्पत्ति स्थान जो क्षेत्र है उसके साथ सामानाधिकरण्य होने से दोनों में परस्पर विशेषण विशेष भाव हुआ। तो क्षेत्र शब्द के अभाव में यदि हम यहाँ पर क्षेत्र शब्द का प्रयोग नहीं करते तो सत्तावाची भू शब्द को आश्रित करके यत्र विद्यते जहाँ कुछ होता है सत्ता मात्र को लेकर के, वहाँ भी भवन शब्द से सत्ता मात्र को स्वीकार करके आधार सामान्य जो ग्रह कुसूल आदि हैं वहाँ भी जो बीज इत्यादि रखे रहते हैं उसमें यदि कभी अंकुर फूट जाता है तो उसका भी ग्रहण कदाचित होने लगे, ऐसा अनिष्ट वारण करने के लिए ही यहाँ पर क्षेत्रपद धान्यानाम भवने क्षेत्रे खई ऐसा क्षेत्रपद यहाँ पर समानाधिकरण प्रयोग करते हुए यहाँ पर
सूत्रकार ने निक्षिप्त किया। जैसे इसका उदाहरण हम देखते हैं, मुद्गानाम भवनम क्षेत्रम, इस अर्थ में मुद्ग शब्द से षष्ठ्यंत से खञ प्रत्यय करेंगे, अनुबंध लोप ञित्वाद आधिवृद्धि इत्यादि करने के बाद ख के स्थान पर ईन आदेश आयने नीय फटक चकाम प्रत्ययादि नाम इत्यादि सूत्र, इस सूत्र से मौद्ग ईन फिर अकार का लोप यस्यति च से मौद्गीन ऐसा रूप हम यहाँ पर, और नपुंसकलिंग में इसका विशेष होने के कारण मौद्गीनम ऐसा रूप बनाएंगे। एक दूसरा उदाहरण ढक प्रत्ययांत का लेते हैं, व्रीही शाली धान्य विषय में, इसी अर्थ में धान्यानाम भवने क्षेत्र, इसी अर्थ में व्रीही शाली धान्य विषय जब होता है, अर्थात व्रीही और शाली ये जब दो धान्य विशेष होते हैं तो उनके भवन के अर्थ में अर्थात उत्पत्ति के अर्थ में जहाँ पर वो उत्पन्न होते हैं उससे तद अधिकरणवाचक से ढक प्रत्यय होता है, व्रीही शाल्योर ढक, ये सूत्र है। तो व्रीही शब्दात शाली शब्दाच्च षष्ट्यंतात् भवने क्षेत्रे अर्थे ढक भवति, ऐसा अर्थ करते हैं। अनुबंध लोप इत्यादि सामान्य कार्यों के बाद जिससे इकार लोप इत्यादि करके व्रेहेयम शालेयम, यह दो रूप यहाँ पर निष्पन्न होंगे। इसके बाद एक अन्य अधिकार को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, सर्वचर्मणः कृतः, सर्वचर्मणः कृतः ये अधिकार है, अर्थाधिकार। इस अर्थ में ख ख और खई प्रत्ययों का यहाँ पर विधान किया जाता है। सर्वचर्मन शब्द जो तृतीयांत है उससे चर्मणा सर्वं कृतम, इस अर्थ में ख खयों प्रत्ययो विधीयते। सर्वचर्मन जो शब्द तृतीयांत है इससे चर्मणा सर्वं कृतम, इस अर्थ में ख और खई प्रत्यय का विधान किया जाता है दो प्रत्ययों का। ख प्रत्यय का उदाहरण तो सर्वचर्मीण और खई प्रत्यय का उदाहरण सार्वचर्मीण, यित्वात् एकत्र आधिवृद्धि हुई जिसलिए सार्वचर्मीण रूप बना, और उभयत्र भी उभयत्र नस्तद्धिते से टीलोप हो गया इसलिए चर्मन में जो नकार अन्य जो भाग था उसका लोप हुआ। अब इसके बाद एक अन्य उदाहरण को हम देखते हैं, यथामुख सम्मुख दर्शन इत्यर्थ, एक नया अर्थाधिकार है, यथामुख सम्मुखस्य दर्शन, इस अर्थ में यथामुख सम्मुख इन दोनों शब्दों से षष्ठ्यंत जो शब्द हैं इनसे दर्शन इस अर्थ में ख प्रत्यय करते हैं, यथामुख सम्मुखस्य दर्शनम ख इस सूत्र से, दृश्यते अस्मिन्निति दर्शन आदर्शादि, आदर्शादि नाम आदर्श नाम दर्पण, मुखस्य सदृशम इत्यर्थे यथामुखम, यह यहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है, तो यथामुखम क्योंकि हमने यहाँ पर यथामुख सम्मुख ऐसा किया तो यथामुखम ऐसा समास कैसे हुआ अव्ययीभाव समास, क्योंकि यथा असादृश्य ऐसा हमने आपको तत्पुरुष अव्ययीभाव समास प्रकरण के समय बताया था कि निषेध है असादृश्य, असादृश्यव यथा शब्द समस्यते, यहाँ तो मुखस्य सदृशम इस अर्थ में सादृश्य होने पर कैसे समास होगा, तो कहते हैं कि निपातनादेव, यहाँ पाणिनि जी ने निपातन किया है कि यथा मुख इस शब्द का निपातन यहाँ पर अव्ययी भाव करते हुए कर दिया है जो कि प्राप्त नहीं था, तो यथा मुखम दर्शन यथा मुखीन ये रूप बनेगा। सम्मुख शब्द से सम शब्द जो सर्वपर्याय है उसका ग्रहण करते हैं तो समम इत्यस्य सर्वम ऐसा अर्थ, तो सम्मुखम नाम सर्वम समम च तन्मुखम च ये कर्मधारय किया, सम्मुख शब्द बना, उस सम्मुख शब्द से सम्मुखम दर्शन इस अर्थ में ख प्रत्यय करके सम्मुखीन ऐसा हम समास करते हैं। अब ख प्रत्यय के ही और भी उदाहरण हैं, जैसे अत्यंतीन अनुकामीन अत्यंतम गामी, इस अर्थ में अत्यंतीन ये रूप बनता है, यह भृशम गमनशील तद्विषय एवं उच्यते, जो अत्यधिक गमनशील होता है एक जगह बैठता नहीं घूमता रहता है, तो यह भृशम गमनशील ऐसा स्वभाव जिसका है उस अर्थ में उसके विषय में अत्यंतम गामी, इस सूत्र से जब समास करते हैं तद्धित वृत्ति करते हैं तो अत्यंतीन यह रूप निष्पन्न होता है, तो अत्यंत शब्द से ख प्रत्यय किया अत्यंतीन रूप बना। अवारपारात्यंतानुकामम गामी, इस सूत्र से खस्य स्थाने ईनादेश अनुकामीन अनुकाम शब्दात् ख प्रत्यय रूपम, यथेष्टम गंता
यह अर्थ होता है। इसके बाद कुछ खप प्रत्ययांत प्रयोग हैं जो व्युत्पत्ति अर्थ मात्रगत यहाँ पर उल्लिखित हैं। परम्परीण परांश्च परतरांश्च अनुभवति, इस अर्थ में अनुभवत्यर्थ, अनुभवत्यर्थ है खप प्रत्यय। ऐसे ही समाम समीना गौहु, समाम समाम विजायते, समायाम समायाम विजायते, ऐसा अर्थ है। या गौहु प्रतिवर्षम प्रसूयते इत्यर्थः। अद्यश्विना आसन्न प्रसवा, अद्यश्वो वा विजायते प्रसूता भवति, इस अर्थ में यहाँ पर अवष्टब्धे आसन्न अर्थ में खप प्रत्यय हो गया। ऐसे ही आगवीनः कर्म करके अर्थ में खप प्रत्यय का निपातन है, आगवीनः इस सूत्र से। अनुगवीनः अनुगु गोह पश्चात अनुगु, वहाँ से पर्याप्तम गच्छति इस अर्थ में अनुगवीनः इत्यादि। उसी प्रकार से गौष्ठीनः गोष्ठात खई भूतपूर्व, इस सूत्र से यहाँ पर खई प्रत्यय किया, भूतपूर्व गोष्ठ गौष्ठीनः आश्विनः, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं खप प्रत्ययांत। शालीनः अधृष्टे अर्थे खई प्रत्यय, शालीन कोपी ने अधृष्ट कार्ययो हो, इस सूत्र से यहाँ पर निपातन किया गया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि खप प्रत्यय से लेकर के ती प्रत्यय साप्तपदीनम इत्यादि में जो खप प्रत्यय है, उसके बाद हय्यंगवीनम पक्षाति ही, इस सूत्र से तिप प्रत्यय और चुमचुप इत्यादि जो प्रत्यय हैं उन सब के बारे में आप यहाँ से मूल ग्रंथ में और इस पाठ योजना में विस्तार से और भी पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके सामने हमने इस प्रकरण को यहीं समाप्त किया, यह पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।